तो कल हम लोग कैलोरीमेट्री में लैटेंट हीट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लैटेंट हीट हम लोग क्या देखे थे, बेसिकली किस लिए यूज होता है, फेज चेंज करने के लिए। जैसे मान लो कोई वाटर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है, तो हम लोग क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल आइस कंसीडर किए, सॉलिड फॉर्म में है। अब इसको हीट यदि देते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें, स्टेट को चेंज कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो दिस हीट इज बेसिकली यूज फॉर चेंज द स्टेट। लैटेंट हीट हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे आइस सॉलिड में है तो हीट में जाने के लिए ये लिक्विड हो गया। ध्यान देने की बात क्या है कि इस केस में जब स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस का टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सी है तो जब फेज चेंज हो रहा है तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जो हीट यहाँ पर हम दे रहे हैं, दिस हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, दिस हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। अगर फिर यदि लिक्विड है, लिक्विड को फिर वेपर में ले जाना होगा, जहाँ भी स्टेट चेंज करना होगा वहाँ पर हीट किस तरह का हम लोग देंगे, लैटेंट हीट देते हैं। लैटेंट हीट में क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये जो हीट दे रहे हैं, हीट जा कहाँ रहा है, जो आइस को हम लोग हीट दिए वो जा क्या रहा है, जो आइस है सॉलिड फॉर्म में है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को वीक कर रहा है। ये हीट क्या कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में जो आइस है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज आ रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होकर मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहीं पर फिर टर्म क्या आता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही बताया हूँ कि 1 ग्राम आइस लेना है, यानी मास कितना लेना है। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम का वो सब्सटेंसेज होना चाहिए। स्पेसिफिक यदि कहीं भी लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, उस सब्सटेंसेज का मास कितना है, 1 ग्राम है, राइट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट देना पड़ेगा वो हीट क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाना, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से क्या बेटे, मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग प्रोसेस। जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, पिघलना। सॉलिड है आइस, पानी में पिघल गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अच्छा, इसका रिवर्स जो है, लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है, मेल्टिंग और फ्यूजन में, मेल्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ रहा, हीट देना पड़ रहा है। मेल्टिंग के केस में आइस को हीट देना पड़ेगा। जैसे आइस है, आप बाहर फ्रीजर से निकाल के रख देते हो तो अपना रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सी रहता है, तो एनवायरमेंट से हीट लेकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो मेल्टिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम क्या देखते हैं, हीट मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, और जब लिक्विड से आइस के फॉर्म में आएंगे तब हमें हीट निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वाटर है, वाटर को जब आप फ्रीजर में रखते हो तो वाटर का टेम्परेचर बाहर में कितना, 25 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर है मेरा 25 डिग्री सी, डेफिनेटली वाटर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सी होगा। जब उसको हम फ्रीज में रखते हैं तब क्या होता है, फ्रीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सी, यदि मान लो प्रॉक्स आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेट करके रखे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री से पहले 0 पे आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए कौन सा हीट देना पड़ता है, स्पेसिफिक क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए किस टाइप का हीट देना पड़ता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
और फेज चेंज करने के लिए लैटेंट हीट, फेज चेंज करने के लिए लैटेंट हीट, और टेम्परेचर इंक्रीज करना है किसी भी सब्सटेंसेस का या डिक्रीज करना है तो उस क्या नाम है हीट का मेरा स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक मीन्स एक ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब टेम्परेचर चेंज करना होगा, टेम्परेचर चेंज करना होगा, जैसे वाटर 25 डिग्री सी पे है, जब फ्रिज में रखेंगे तो पहले 0 डिग्री सी पे लाना पड़ेगा। तब 0 डिग्री सी पे लाने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टर्म को जो टेम्परेचर देते हैं उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज में क्या होगा, पहले हीट रिलीज होगा वाटर से, राइट, उस हीट का नाम क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी। अब जब 0 डिग्री सी पे आ जाएगा तब फेज चेंज होगा फ्रीजर में, और जब फेज चेंज होगा उस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट, और तब नाम क्या होगा, फ्यूजन लैटेंट हीट, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तब क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक मेल्टिंग, मेल्टिंग लैटेंट हीट भी बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये तो समझ गया भाई, सॉलिड से लिक्विड के जाने के लिए प्रोसेस को भी नाम समझना जरूरी है। सॉलिड से लिक्विड जाने पर उसको बोलेंगे मेल्टिंग प्रोसेस, और दूसरा फ्यूजन प्रोसेस। लिक्विड का फेज चेंज करना होगा वेपर में, लिक्विड का फेज यदि वेपर में चेंज करना होगा, मान लेते वाटर है 100 डिग्री सी पर लिक्विड फेज में है, वाटर है टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सी, अब वेपर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अब इसके बाद जो हीट देंगे टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सी ही, क्योंकि स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से ये वेपर जो निकलेंगे उसका टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा, 100 डिग्री सी। जो हीट देंगे, हीट का काम वही है, लिक्विड में फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस बॉन्ड को और वीक करेगा, वीक करके वेपर में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, और जब वेपर से लिक्विड में आएंगे उसको कंडेंसेशन प्रोसेस को बोलते हैं। ये सारे 9th-10th में भी पढ़ना है कि लिक्विड से वेपर में गया वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड में आएगा उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे तो बेसिक मेरे टर्म थे। अब हीट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा फेज चेंज करने के लिए। जिस तरह से स्पेसिफिक हीट के लिए हम लोग निकाले थे क्यूजल टू एम एम सी डेल्टी, ये क्या था, टेम्परेचर चेंज करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था। अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू मास इंटू सी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टी टेम्परेचर। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, लैटेंट हीट के केस में यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो टेम्परेचर टर्म तो आएगा नहीं फॉर्मूला में। सिंबल क्या है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं लैटेंट हीट का, सिंबल क्या है एल, एल इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, जो भी लिक्विड हो जो भी सब्सटेंसेज है उसका मास एक एक ग्राम में, एक ग्राम में कितना हीट देना पड़ेगा, एक ग्राम में हीट कितना देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यूनिट क्या हो जाएगा लैटेंट हीट का, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, लैटेंट हीट का यूनिट हो गया जूल पर ग्राम। तो एक ग्राम जो कोई भी सब्सटेंसेज है जिसका कि फेज चेंज करना हो, तो एक ग्राम के सब्सटेंसेज को फेज चेंज करने में जो हीट लगेगा वही हीट क्या होगा, लैटेंट हीट के बराबर। मान लो फॉर एग्जांपल आइस का दिया हुआ है, आइस से हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और मुझे लैटेंट हीट का वैल्यू दे दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक एस एल एच, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, कहने का मतलब मास क्या हो गया 1 ग्राम, स्पेसिफिक आते ही अंडरस्टैंड कर लेना होगा मास क्या हो जाएगा 1 ग्राम है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट मान लो दे दिया है वाटर का, फॉर एग्जांपल जो भी दे लेंगे कोई जरूरी नहीं यही वैल्यू हो, क्या लिखेंगे 1200 जूल पर ग्राम। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, 1 ग्राम आइस को
एक ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में कितना हीट देना पड़ेगा? 1200 जूल। कितना हीट देना पड़ेगा? 1200 जूल। एक ग्राम, यहाँ फॉर्मूला में क्या हो गया, L इक्वल टू क्यू अपॉन एम, 1 ग्राम हो गया, और L का वैल्यू कितना हो गया, 1200 जूल। तो एक ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, 1200 जूल, राइट। तो यहाँ से फॉर्मूला और क्या हो गया, इसको रिवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द क्यू, क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, अमाउंट ऑफ हीट, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, एम क्या हो गया, मास ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी लेंगे मास ऑफ सब्सटेंसेस, व्हाट इज द क्यू, क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, यही फॉर्मूला हमें यूज होगा। और स्पेसिफिक हीट के केस में क्यू का फॉर्मूला क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने में एम सी डेल टी, यही दो फॉर्मूला यूज करके सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लैटेंट हीट का अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, यूनिट यहाँ पर क्या हो गया, जूल पर ग्राम, यहाँ यूनिट क्या हो गया, मास जूल, सॉरी यहाँ तो यूनिट तो जूल ही रहेगा ना, पर ग्राम देने की जरूरत क्या है, क्यों इतना जूल, हाँ एल का यूनिट होगा जूल पर ग्राम, एल का ऑलरेडी लिख दिए हैं, सी का यूनिट यहाँ होगा जूल पर ग्राम डिग्री सी, क्यू इक्वल टू जूल, दोनों केस में जूल, क्यू का तो यूनिट जूल ही रहेगा। यही दो फॉर्मूला यूज करके सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यही दो फॉर्मूला, एक क्या है पहला फॉर्मूला, फेज चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, Q इक्वल टू एम एल, और टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा तो Q इक्वल टू एम सी डेल टी, एम सी डेल टी, यही दो फॉर्मूला यूज करके कैलोरीमेट्री का सारा प्रॉब्लम बन जाने, एक प्रॉब्लम यहाँ से मेडिकल में और जेई में फिक्स है, एक क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चन आसान रहते हैं, कहीं दिमाग इसमें नहीं लगाना है, पूरे फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर यही है, थर्मो यानी सबसे आसान थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यही सबसे आसान है 11th का टॉपिक में, ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाने हैं और 100% क्वेश्चन बन जाना है बेटे। जैसे आप क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड the amount of heat required to change 10 gram of ice at -5 degree C to water at 20 degree C, specific heat of water दिया हुआ है, value 4.2 joule per gram degree C, और दूसरा value क्या दिया हुआ है, specific heat of ice that is given 2.1 joule per gram degree C, and specific heat of latent heat equal to 336 joule per gram, ठीक है बेटे, specific latent heat 336 जूल पर ग्राम क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस, आइस है मेरे पास 10 ग्राम का, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सी, आइस की -5 डिग्री सी पर है, उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द आइस एट -5 डिग्री सी टू वाटर, कितने डिग्री सी टेम्परेचर पर लेके जाना है, 20 डिग्री सी, यानी मेरा आइस जो है 10 ग्राम आइस है -5 डिग्री सी पर, इसको
इस वाटर को हमको 20 डीसी वाटर में कन्वर्ट करना है, कितना हीट देना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करना है। पहले तो -5 डिग्री से 0 डिग्री सी पे लेके आना पड़ेगा। फेज चेंज कब होगा? 0 डिग्री सी पे होगा, पहले तो फेज चेंज होगा नहीं। तो पहले हीट जो देंगे, जो हीट दिए वो 0 डिग्री सी लाने में, और कौन सा हीट होगा? Q1 मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट होगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है -5 से 0 डिग्री, टेम्परेचर चेंज होगा तो किस टाइप का हीट देते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद अब ये 0 डिग्री से पे आ गया है, अब सॉलिड फॉर्म में है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर दूसरा जब हीट देंगे तो स्टेट चेंज Q2, स्टेट चेंज यानी यहाँ पर कौन सा हीट देना पड़ेगा? स्पेसिफिक लैटेंट हीट। Q2 क्या होगा? टेम्परेचर वही 0 डिग्री सी रहेगा। स्पेसिफिक Q2 जो होगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। और अब उसके बाद फिर 0 डिग्री से 20 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा? स्पेसिफिक हीट फिर यूज करेंगे Q3, और तीनों को ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगा। तो फर्स्ट Q1 क्या हो गया? व्हाट इज द Q1? मास दिया हुआ m, पहले फॉर्मूला लिख लो m c, अच्छा ध्यान देना दोनों दिया हुआ, आइस का भी दिया हुआ स्पेसिफिक हीट और वाटर का भी दिया हुआ है, तो आइस वाला यूज होगा क्योंकि आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री से 0 डिग्री से जा रहा है, तो आइस का स्पेसिफिक हीट तो यूज करेंगे यहाँ पर। आइस चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पॉजिटिव रखना है, ठीक है, क्योंकि सारे में क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, सारे पॉजिटिव भी है। जब हीट देना लेना रहता है तब ना पॉजिटिव निगेटिव का देखना पड़ता है। इसका वैल्यू क्या हो गया? 10 ग्राम दिया हुआ, 10 फुट कर दिए। आइस का दिया हुआ 2.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू दिया हुआ 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। -5 से 0 जा रहा है तो 0 -5 +5 हो जाएगा, तो डेल्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। क्या कर रहे हैं? डेल्टी फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सी माइनस इनिशियल टेम्परेचर -5 डिग्री सी, तो 0 +5, डेल्टी का वैल्यू कितना हो गया? 5। डेल्टी का वैल्यू 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 105 जूल, ठीक है। अब दूसरा जो है Q2 क्या है? लैटेंट हीट। फॉर्मूला क्या है? m into l, मास है 10 ग्राम, l का वैल्यू 336 मल्टीप्लाई कर देंगे 336, ये कितना दे देगा जूल? 3360 जूल, ठीक है। और थर्ड मेरा क्या हो गया? Q3 का वैल्यू, अब यहाँ देखो, अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मास 10 ग्राम, अब वाटर वाला स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, वाटर वाला स्पेसिफिक हीट का वैल्यू यूज करेंगे 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से हो रहा है? 0 से 20 डिग्री, तो चेंज क्या करते हैं? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल क्या बताता है? डेल चेंज के लिए डेनोशन है, डेल क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 0, तो डेल्टी क्या हो जाएगा? 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे 840 जूल, और तीनों का सम कर देंगे टोटल हीट मेरा निकल जाएगा। टोटल हीट तीनों का सम कर देंगे 305। इसके प्रीवियस क्लास जो भी छूटा वो सारा अपलोड है, उसको जाके बैठे देखना है, ठीक है ना। मैं दे दूंगा आपको, जिस पर सर्च करना है उस पर जाकर सर्च में घर में बैठकर उसको देखकर देखिए बेटे, देखिए क्वेश्चन आसान है इसका, कहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं।
एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा कैलोरीमेट्री वाला से, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन देखो जो छूट रहा होगा एक नंबर बोनस बढ़ेगा। पहले बना था कैलोरीमेट्री वाला, इसमें कैलोरीमेट्री नहीं वो जो आगे का इसका है ना जेई में इसका क्वेश्चन आया था ना, इसका जो दिए थे जेई वाला, इसमें ये लैटेंट हीट का क्वेश्चन आया तो गलत, तो एक नंबर आज इसको इम्प्रूव करना है। टारगेट क्या रखना है, 2-3 क्वेश्चन रोज बढ़ाना है 20 दिन तक, कि 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा अपना काम हो जाएगा। टारगेट एवरी डे चेक कर रहे थे कि कहाँ पे गलत, चेक करके हर दिन 3 क्वेश्चन मिनिमम बढ़ाओ, कि जो चीज गलत होता है उसको इम्प्रूव करना है, जो छूट रहा है उससे रिलेटेड पढ़ने का है। हाँ तो ठीक कर रहा है ना, ऐसे ही होता ही है। कंबाइंड स्टडी का मतलब क्या होता है, एक गाड़ी पीछे तो दूसरा खींचेगा मीटर, चल भाई दूसरा स्विच होगा तो फिर पहले का वाला खींचेगा, और दोनों आप एनालाइज करो कहाँ कहाँ छूट रहा है उस चीज को। भाई हर दिन में टारगेट रखना 3 क्वेश्चन जो छूट रहा है उसको पकड़ना है, 10-15 दिन में 20 क्वेश्चन को बढ़ाना है, नेट क्वालिफाई हो जाएगा अपना। 20 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया गया तो 80 नंबर आ गए मैदान में अंदर। तो ये सपना एक महीना में बहुत कुछ चमत्कार हो सकता है, राइट बेटे, उस चमत्कार को पॉसिबल करने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो। पहला अपना तो काम करो, अपना कर्म जो है आपके हाथ के गट्टे पे जो है मेहनत करने का उसको, और डेफिनेटली हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, फाइंड दी अमाउंट ऑफ इट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इट व्हेन 1 kilogram of water vapor, when 1 kilogram of water vapor at 100 degrees C, at 100 degrees C is cooled to water, ठंडा कर रहे हैं, is cooled to water at 20 degrees C. At 20 degrees C, specific heat capacity water का दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी, और specific latent heat vapor form में equal to 2260 जूल पर ग्राम, यही यूनिट सब पर ध्यान देना है जो कि फिजिक्स को आपको मजबूती देगा। क्या कह रहा है कि 1 kilogram वाटर वेपर है, 1 kilogram वाटर वेपर है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इट व्हेन 1 kilogram ऑफ वाटर वेपर, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 100 degrees C, टेम्परेचर दिया हुआ 100 degrees C, इज क्यूल ठंडा कर रहे हैं कहां तक लेके आए 20 डिग्री सी पर। तो अब स्टेप बाय स्टेप पहले वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फेज चेंज करेंगे। तो पहला जो इसको हीट देंगे Q1 वो वेपर से लिक्विड में आएगा, और ये कौन सा हीट होगा Q1, लैटेंट हीट LH, लेफ्ट हैंड नहीं है यहाँ LH पर, लैटेंट हीट है। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा 100 डिग्री सी, क्योंकि फेज चेंज करने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब 100 डिग्री से 20 डिग्री सी पे आना है, हीट क्या देना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट Q2, इसको डिनोट कर दिए स्पेसिफिक हीट SH दे दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, राइट। तो दो यहाँ पर हीट देना पड़ रहा है वेपर को, वाटर वेपर को 100 डिग्री से 20 डिग्री से आने पर दो हीट का वैल्यू, एक Q1 दूसरा Q2। Q1 क्या क्या होगा, लैटेंट हीट है m into l मास 1000 कर देंगे, 1000 आ जाएगा क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं तो न्यूमेरिकल में वैल्यू ज्यादा हो कम हो सकता है 20 लाख कुछ है। तो टेंडो पावर शो कर दो टेंडो पावर फॉर्म में, तो m हो गया इतना, l का वैल्यू
2260 क्या करो 226 चार जीरो डाल दो, इतना जूल काम खत्म। तो ये हो गया लैटेंट हीट Q1, Q2 इक्वल टू आपका हो गया टेम्परेचर चेंज करेंगे स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा, फॉर्मूला MC del T। मास हो गया 1000 ग्राम, ग्राम में क्यों कर रहे हैं क्योंकि पर ग्राम है इसलिए इसको ग्राम में चेंज कर रहे हैं। C का वैल्यू रख देते हैं 4.2 चेंज इन टेम्परेचर 80 से 20, 100 में से 20 घटा देंगे आपका वो चेंज 20 में से 100 होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ हीट निकल रहा है निगेटिव है इसलिए हम लोग डेल्टी को पॉजिटिव ले क्योंकि वर्ड में यूज कर लिए हीट रिलीज हो रहा है तब माइनस साइन, लेकिन मोस्टली आपको करने की जरूरत डेल्टी को पॉजिटिव लेकर करना है। जैसे वर्ड हम लोग यूज कर लेना हीट रिलीज हो रहा है, यदि आप वर्ड नहीं यूज करो हीट रिलीज वर्क नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया डेल्टी कितना हो गया इंटू 80, 100 माइनस 20 80, 100 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल के दोनों को सम कर दो काम अपना हो जाएगा 336। ठीक है तुम लोग के लिए तो डाटा सेम रहेगा, नेट के लिए ज़्यादा नहीं फंडा अपना क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको पक्का करना है। आज मेरा टारगेट है ये क्वेश्चन आप लोग का ये इम्प्रूव कराने का, ये क्वेश्चन ये लैटेंट हीट वाला या स्पेसिफिक हीट का रहे तो क्वेश्चन 100% बन जाए। अब इसी में हो गया बेटे लिख लिए सारे, कल का लेक्चर का वीडियो आज का लेक्चर का वीडियो देख लो, सबसे आसान फिजिक्स का टॉपिक है जितना है सबसे आसान है और एक क्वेश्चन कंपटीशन में इससे आने हैं, जो आसान है उसको तुरंत लपक लेने का है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसमें अब क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे स्पेसिफिक हीट में हम कुछ प्रॉब्लम कल किए थे 2-3 हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। कल का लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या कहते हैं हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों को एक कॉलम में सेपरेट करके दोनों का डाटा को लिख कर हाँ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का यूज किए थे, क्या यूज किए थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसमें क्या है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। कहने का मतलब क्या है जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई गिलास है शीशे के गिलास में हमको रात में मन किया दूध पीने का, मम्मी ने दिया गरम गरम दूध, गुस्सा में क्या मम्मी पढ़ रहे हैं टेंशन दे रहे हो गरम दूध ला के रख दिए ठंडा के तो देना चाहिए था मम्मी, कहीं बच्चा सब एडवांस हो गया बात मानना पड़ेगा नहीं तो पता नहीं 2 दिन बाद पीट भी दे आज का जनरेशन। ठीक है तो क्या हुआ मम्मी तो स्मार्ट कहेगी ठीक है बेटा तो क्या करेगी बच्चा तो रात नाइट स्टडी कर रहा है उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है तो पानी भरा हुआ उसने दूध का गिलास रख दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका हीट रिलीज होगा क्योंकि मिल्क का टेम्परेचर ज़्यादा हॉट बॉडी है और जो वाटर हम लोग उसके अंदर वाटर जो पॉट में रखे वो कोल्ड बॉडी है तो यहाँ से क्या होगा हीट का ट्रांसफर होगा, जितना हीट ट्रांसफर मिल्क कर यानी हीट रिलीज करेगा क्योंकि दूध का गिलास जो है पानी वो गर्म है हॉट है वो हीट जितना रिलीज किया मान लो 10 जूल हीट रिलीज करता है तो ये 10 जूल हीट कहाँ जाएगा वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर उसको कोल्ड यहाँ पर कोल्ड कौन है वाटर। तो हम क्या देखते हैं हीट लॉस्ट बाय मिल्क दैट विल बी हीट गेन बाय वाटर, जितना हीट लॉस ग्लास ने किया मिल्क का उतना ही हीट कौन गेन किया वाटर राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो स्पेसिफिक हीट में भी कल हम लोग देखे थे, यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आज एक दो प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम मेरा है स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट दोनों को मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सर मेथड
कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को ऑल्सो वी कैन से मिक्सचर, दाल भुंजा वाला नहीं मिक्सचर, ठीक है, कौन सा मिक्सचर, यानी दूध पानी इस तरह से वो भी बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में है, वहाँ टेम्परेचर का एक्सचेंज ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, राइट, जहाँ टेम्परेचर का एक्सचेंज हो, हीट का ट्रांसफर हो, राइट। तो मिक्सचर इसी को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर मेथड भी बोलते हैं, दूध पानी मिला दिए, गर्म पानी ठंडा पानी मिला दिए, उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप आइसक्रीम, अभी के टाइम में गर्मी शुरू हो गया, आइसक्रीम लो, थोड़ा भी 5 मिनट लेट हुआ, मालूम चला रास्ता भी सब पिघल गया। आप सोचिए कि मम्मी कोई जल्दी दौड़ के नहीं आई, तुम्हारे कारण पिघल गया, गाड़ी पे भी बैठे थे, तो मम्मी कहीं काहे नहीं, उसी से मैं खा ली बेटा, मैं तो बोला तो भाई खा लो। तो ये सारे चीज़ें होते रहती हैं, उसी पर प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज ऑल्सो कॉल मिक्सचर ऑफ मेथड। मेरे साथ भी बहुत होता था, मेरी सिस्टर थी बहुत जिद्दी, तो वो जब भी जाएंगे तो कहेगी आई मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना, और इतनी जिद्दी कि यदि आइसक्रीम नहीं पहुँचेगा तो बहुत सारे समस्याएं पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पता नहीं, उसको हम लोग बचपन से ही प्रोफेसर बोलते थे, जब पिताजी जाके मानते थे तो हम लोग भाई हम लोग का कहाँ कोई जगह ही नहीं उसके सामने, तो प्रोफेसर प्रोफेसर लगता है प्लस टू में या जे डी ओमेन से कर रही थी, प्लस टू से ही हम लोग नाम रख दिए थे उसका प्रोफेसर, क्योंकि अब उसके डर के मारे सब डरे रहते थे, राइट। अभी वो भी हैदराबाद में ही है। तो आप चलें प्रॉब्लम करें बेटे, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम is added to 200 gram of water at 50 degrees C full stop, calculate the final temperature, when all ice is melted, given और क्या है data, specific heat capacity of water दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी। समटाइम्स ये भी एक ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो, अभी तक हमेशा हम लोग पर ग्राम लिखे रहे, डोंट वरी, कभी मान लो आपको 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सी दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, मास जब कंसीडर करेंगे क्या, आप किलोग्राम में कंसीडर कर लेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है कि सर एक भी प्रॉब्लम नहीं किया है, अब क्या हो गया, यदि किलोग्राम में दिया रहेगा तो जो मास जहाँ पर यूज कर रहे हैं वहाँ पर ग्राम के जगह पर किलोग्राम भी यूज कर लेंगे, राइट बेटे। जैसे यही मान लो सेम प्रॉब्लम यही ले लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम में कर दिए, स्पेसिफिक हीट को दे दिया 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सी। उसी तरह से लैटेंट हीट SL फ्यूजन ये दिया हुआ है 336 × 10³³ जूल पर किलोग्राम। और ये क्या कर रहा क्वेश्चन समझे, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम आइस है जिसका कि मास दिया हुआ है 40 ग्राम इज एडेड टू एक 200 ग्राम का वाटर है एट 50 डिग्री वाटर 50 डिग्री पर। क्या करें, एक आइस है 40 ग्राम का है, इसमें 200 ग्राम वाटर मिलाते हैं जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, यानी मिलने के बाद मिक्सचर आइस और वाटर जब दोनों मिल जाएंगे तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर निकालना है। ध्यान देने के बाद क्या है, पूरा आइस पिघल जा रहा है, ध्यान देने के बाद है पूरा आइसक्रीम पिघल गया, पहले 0 डिग्री पे जाएगा। हाँ, तो पहले 0 डिग्री पे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखना होगा कौन हॉट बॉडी, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम को मैंने बताया था कैसे टैकल करना है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी डिसाइड कर लेना है।
हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पर हॉट बॉडी कौन सा है, वाटर हो गया, इसको मिटा दें वैसे। और कोल्ड बॉडी मेरा आइस आइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्प एक चीज ध्यान देना, यहाँ मास क्या दिया हुआ है 40 ग्राम, जब यूज करेंगे तो किलोग्राम में इसको ध्यान देंगे। अच्छा, जब आइस का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम इसको इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री से ले लेंगे। यदि प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ हो कि आइस का टेम्परेचर जो ये आइस है 0 डिग्री सी है, एट 0 डिग्री सी इट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि आपको 0 डिग्री सी लेना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक लैटेंट फ्यूजन। फ्यूजन कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तब फ्यूजन वर्ड होगा, ठीक है, ओके। हॉट बॉडी मेरा क्या दिया हुआ है, वाटर 200 ग्राम मास, हॉट बॉडी वाटर जो 200 मास है, और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सी, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सी। आप ध्यान से देखो बेटे, जब इस वाटर को इसमें मिलाएंगे ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण। तो ये पहले क्या होगा, वाटर यानी मान लेते हैं क्यू1 कितना हीट रिलीज करेगा, पहले क्या होगा क्यू1 जो होगा वो 50 डिग्री से 0 डिग्री सी, क्यू1 का वैल्यू क्या होगा स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा 50 से 0 पे आएगा, राइट, ठीक है। कि पहले इसी को नहीं, इसी को चेंज कर देते हैं, इसका स्टेट को चेंज कर देते हैं, आप फिर मान लेते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर गया इसको, और इसको हम लोग रखते किसी टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे आ गया, इस तरह से करते इस प्रॉब्लम को, इसको इस तरह से 50 डिग्री से मान लेते हैं टी टेम्परेचर मिक्सर का है, उस पर ये वाटर आ गया, क्योंकि पूरा मेल्टेड बता रहा है ना, तो आइस फॉर्म तो है ही नहीं, ये जो आइस है यानी ये आइस पहला ये क्या होगा, इधर से चालू करो Q1 सर, ये आइस का लेटेंट हीट कितना है, वो दिया हुआ ना 4200 जूल पर किलोग्राम। तो पहले क्या करेंगे, जो आइस है Q1 जो होगा, जो Q1 जो होगा इस वाटर आइस को पूरे वाटर में पहले कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्या वैल्यू होगा m into l, m कितना हो गया 40 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो बेटे, और उसके बाद l का वैल्यू 4200 जूल, यहाँ से जितने जीरो उड़ाने उड़ा दो, ये उड़ गया तो 42 into 2 चार दून 8 से 168 जूल हीट रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पर मिक्सर का टेम्परेचर टी हो गया, मिक्सर का टेम्परेचर टी हो गया, ये सारा हीट कहाँ से मिल रहा है, इसके कारण, ये तो कोल्ड है ना, आइस तो कोल्ड है, तो हीट रिलीज कौन, हीट लॉस कौन करेगा, ये वाटर करेगा, हीट गेन कौन करेगा, ये करेगा, तो हीट गेन एक साइड रखते हैं और हीट लॉस एक साइड, तो Q1 हो गया पहला चीज, इसको कन्वर्ट कर ले Q2 स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, राइट, मास एम सी डेल्टी ऊपर से मिटा देता हूँ, एम सी डेल्टी तो Q1 मेरा आ गया है यहाँ पर 168 जूल, Q2 हो गया मास 40/1000, C का वैल्यू 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री से T यानी T माइनस जीरो 4200 जो है, हाँ, तो लेटेंट हीट है ना, एक नड्डे के जाऊँ, हाँ हाँ ऊपर वाला में 4200, हाँ सॉरी यहाँ पर CW वाला यूज कर 4.2, ठीक है। 4.2 फॉर्मूला क्या है, एम सी डेल्टी। अब तो ये हो गया Q1 Q2 क्या हो गया, हीट गेन किया, तो सर जो 4.2 है ये तो जूल पर ग्राम है ना, किलोग्राम कर दिए ना, तभी तो बताया थोड़ा सा यूनिट चेंज करके कर रहा है, यूनिट चेंज कर दी तो 4200 ही हो जाएगा सर, आइस का लैटेंट ओ मेरा दिमाग चालू जा रहा है, ये तो कन्वर्ट कर लिया, हां ये 4200 ना सही रखा था मैंने, नहीं सर लेकिन आइस का तो ये स्पेसिफिक ये क्या, ये स्पेसिफिक ये तो चेंज कर दिए ना, ये तो नीचे यूज कर लिए,
एक मिनट नीचे वाला हम क्या किए हैं, जब उठो रुक जाओ, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, 336 × 10³, 336 × 10³, इसको कैलकुलेट कर लो बेटे। तो ये क्यू क्यू उड़ गया और ये 6 × 24 दो, 7 × 12 = 14 की एक और 7 × 12 = 13, यानी कैलकुलेशन थोड़ा देख लें, 1344 जूल, 1344 जूल एक बार चेक कर लेना बेटे। राइट, एम एल एल हम लोग का है 336 × 10³ जूल पर किलोग्राम, इसको वैल्यू को रख लेंगे और यहाँ पर आ जाए एम सी डेल्टी, एम हो गया किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए, सी कितना है किलोग्राम वाला 4200 और चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस जीरो। आप बोलो 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 पीछे स्पेसिफिक हीट जो लेटेंसी ऑफ वाटर दिया हुआ है वो 4.2 है और ये इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 4200 हो गया। सर ये जो नीचे है एसएल फ्यूजन, तो फ्यूजन तो सर हुआ कि वो ना वाटर टू सॉलिड फॉर्म में, एक मिनट रुक जाओ जरा सोच लेने दो। फ्यूजन फ्यूजन कहने का मतलब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक चीज है, एक चीज क्या है, लेकिन यहाँ लिखा है व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड, ऑल आइस सारा मेल्ट कर गया सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लास्ट लाइन ऐड कर दिया है ना, तो जो तुम सोच रहे हो कि आइस में ही रहेगा, आइस में तो रह नहीं रहा, नहीं मेल्टेड वो समझ के मेल्टेड होगा, लेकिन सर ये तो शायद ये हो सकता है यहाँ पर जो है फ्यूजन बदले मेल्टेड लिखे जा रहे क्वेश्चन, व्हेन ऑल आइस आर मेल्टिंग, क्योंकि ऑल आइस मेल्ट कर दिया ये ज्यादा चेंज क्या हो सकता है प्रॉब्लम में, फ्यूजन की जगह पे मेल्ट कर दे, दोनों का वैल्यू सेम होता होगा, ऊपर वाला जो है SHL वो लेटेंट हीट है और नीचे वाला जो है स्पेसिफिक हीट है। नहीं 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 ये स्पेसिफिक हीट हो गया, ऊपर वाला 4200 4.2 जूल तो कॉमन है, याद ही रहे जिसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4200 हो गया, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों का वैल्यू सेम रहता होगा, फ्यूजन और मेल्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन में मेल्टिंग नहीं दिया रहता तब सोचना पड़ता है, क्वेश्चन में लिख दिया व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड मींस जो भी मिक्सचर होगा वो लिक्विड फॉर्म में है, जो भी मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली आइस वालों को पहले लिक्विड में ले जाना होगा और फिर लिक्विड से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड से 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। राइट, यदि व्हेन ऑल आर नॉट मेल्टेड लिखता तब हम मान लेते चलो टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, नहीं यहाँ पर क्लियर लिख दिया है व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड मींस आइस सॉलिड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली क्या होगा आइस से वो पहले लिक्विड में आएगा और लिक्विड 0 डिग्री से बाद मान लो 15 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, 15 डिग्री से फिर बढ़ गया, वो निकालेंगे कितना बढ़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरे साइड में ये हॉट वाटर जो है 200 ग्राम ये कितना हीट देगा, Q2 = मास दे दिया 200 / 1000 × 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 50 दिया है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा 50 - T। इसको सॉल्व करके यहाँ से T निकाल लेंगे, सॉल्व करके टी निकाल लें, डाटा आसान आसान रहेगा, तो नेट के लिए तो इतना डाटा कंप्लीट नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आइस का, आइस में क्या किए हम लोग, गर्म पानी डाले, अब क्या हो रहा है दिया हुआ कि ऑल आइस आर मेल्टेड, तो क्या हुआ पहले जो कोल्ड बॉडी है आइस लिक्विड में आया और लिक्विड से फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया और गर्म पानी डाले तो गर्म पानी का और बॉडी से टेम्परेचर डाउन हो गया 13440 जूल। हाँ ये देख लेना कैलकुलेशन को देख लेने का। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं, अब नया चैप्टर हम लोग इसमें नया टॉपिक हीट ट्रांसफर चालू करेंगे, हीट ट्रांसफर चालू करेंगे ऑलमोस्ट लास्ट पे ये भी है। ठीक है, आज अब यहीं रहने देते हैं।